Next topic is integral calculus. What is the use of integral calculus? To find the area. मान लीजिए ये आपका कोई फॉर्म हाउस है, लाइक दिस, जिसका शेप इस टाइप से है. क्या आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं. रेक्टेंगल होता, स्क्वायर होता, पैरेललोग्राम, सर्कल होता तो हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन इस टाइप के शेप का हम एरिया कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? बाय इंटीग्रल. तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्या हो गया? टू फाइंड द एरिया. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल क्या है? टू फाइंड द एरिया. लेकिन हमारे सिलेबस में एरिया निकालना सिलेबस में नहीं है. एप्लीकेशन इंटीग्रेशन सिलेबस में नहीं है. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस क्या होंगे? वही सिलेबस में, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन सिलेबस में है, राइट? देखिए, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन. ये साइन है इंटीग्रल का. किसका साइन है ये? इंटीग्रल का. ये इंटीग्रल का साइन है और हर क्वेश्चन में साथ में लिखाएगा डीएक्स. डीएक्स मीन्स इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. जैसे डिफरेंशियल में डीवाई बाई डीएक्स था, वैसे इंटीग्रल में ये इंटीग्रल का साइन है और यहां पर ये डीएक्स लिखा हुआ है. दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रल. और डीएक्स मीन्स वी आर डूइंग द इंटीग्रल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. देन व्हाट इज द यूज ऑफ इंटीग्रल? टू फाइंड द एरिया. एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रल का यूज करते हैं. इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? एंटी डेरिवेटिव. जैसे फर्स्ट फॉर्मूला आता है एक्स टू दी पावर एन डी एक्स. एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रल होगा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, वेयर एन शुड नॉट इक्वल टू माइनस वन. जहां एन माइनस वन के इक्वल नहीं है. वेयर एन शुड नॉट इक्वल टू माइनस वन. जहां एन माइनस वन के इक्वल नहीं है, राइट? क्यों नहीं ले सकते हम एन माइनस वन के लिए ये फॉर्मूला? बिकॉज जैसे मान लीजिए एन माइनस वन है, तो माइनस वन प्लस वन अपॉन माइनस वन प्लस वन, एक्स टू दी पावर जीरो अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा. इसलिए दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन एन इज इक्वल टू माइनस वन. तो एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रल क्या हो गया? एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. क्लियर? ये फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रल का, एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रल एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, वेयर एन शुड नॉट इक्वल टू माइनस वन. देन सेकेंड फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू माइनस वन मीन्स क्या हुआ? वन अपॉन एक्स. वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल होगा लॉग एक्स बेस ई प्लस सी. क्या होगा? लॉग एक्स बेस ई प्लस सी. ये किसका फॉर्मूला है? वन अपॉन एक्स डी एक्स. वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल होगा लॉग एक्स बेस ई. देन इंटीग्रल ऑफ वन. वन का इंटीग्रल क्या होगा? एक्स प्लस सी. वन का इंटीग्रल क्या होगा? एक्स प्लस सी. जैसे एक्स टू दी पावर जीरो. एक्स टू दी पावर जीरो क्या है? वन. तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एक्स टू दी पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन प्लस सी. तो आंसर एक्स प्लस सी. तो वन का इंटीग्रल क्या हो गया? एक्स प्लस सी. देन e टू दी पावर एक्स डी एक्स. ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल क्या हुआ? e टू दी पावर एक्स प्लस सी. ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया?
ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ ए टू दी पावर एक्स। ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल होगा ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेसी प्लस सी, या ए टू दी पावर एक्स लॉग ई बेस ए प्लस सी। ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल क्या हो गया, ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई, या ए टू दी पावर एक्स लॉग ई बेस ए प्लस सी। ओके, नाउ वापस फर्स्ट फॉर्मूला क्या है। फर्स्ट फॉर्मूला देखिए एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रल एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स बेस ई प्लस सी, वन का इंटीग्रल एक्स ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई, या ए टू दी पावर एक्स लॉग ई बेस ए प्लस सी। हमने आपको बताया इसको हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। जैसे लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग एक्स। क्लियर। एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, वन, तो वन का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स। ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ई टू दी एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रल एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। जैसे इंटीग्रल एक्स टू दी पावर टेन डी एक्स, एक्स टू दी पावर टेन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर टेन प्लस वन अपॉन टेन प्लस वन प्लस सी, एक्स टू दी पावर इलेवन अपॉन इलेवन प्लस सी। एक्स टू दी पावर फाइव डी एक्स, तो एक्स टू दी पावर फाइव प्लस वन अपॉन फाइव प्लस वन प्लस सी, एक्स टू दी पावर सिक्स बाई सिक्स प्लस सी। क्लियर। इंटीग्रल ऑफ एक्स टू दी पावर सेवन डी एक्स, एक्स टू दी पावर सेवन प्लस वन अपॉन सेवन प्लस वन प्लस सी, एक्स टू दी पावर एट बाई एट प्लस सी। अब आता है क्वेश्चन की प्लस सी क्या है। ये एक्चुअली इनडेफिनेट इंटीग्रल है। क्या है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इंटीग्रल का यूज क्या बताया हमने, एरिया फाइंड आउट करना। जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है, ठीक है, आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है, राइट। अब आपको एरिया कैलकुलेट करना है, जनरल इंटीग्रल क्या होगा इस फंक्शन का, ये कोई इक्वेशन दे होगी y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रल जो करेंगे वो आएगा, जो भी इंटीग्रल होगा प्लस क्या लगाएंगे, c। अगर हमें लिमिट दे रखी होती है कि आप इंटीग्रल निकालिए x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक, तो इसमें प्लस c नहीं लगेगा, वो क्या हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल। वो क्या है, वो क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल होगा। तो जब इनडेफिनेट, जब आपको लिमिट नहीं दे रखी होती है, तो वो क्या कहलाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रल का साइन हटेगा और प्लस सी लगेगा। इंटीग्रल में इंटीग्रल का साइन हटा और प्लस सी लगा, राइट। हम एग्जैक्ट इंटीग्रेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसलिए इसमें प्लस क्या लगेगा, सी क्या लगेगा ऑलवेज। अगर आपने कंप्लीट सॉल्व कर दिया क्वेश्चन और प्लस सी नहीं लगाया, तो एग्जामिनर अगर चाहता है तो उसको जीरो मार्क्स दे सकता है थ्योरिटिकल क्वेश्चन में, राइट। इसलिए इंटीग्रल का साइन जब भी हटेगा तो ऑलवेज प्लस क्या आएगा, सी आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर वन से लगा के अप टू 46, ध्यान दीजिए, वन से 46 जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के अल्टरनेटिव में आप यही मान के चले इन सब में प्लस सी लगा हुआ है, प्लस क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ इन ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम 1 टू 46, हर अल्टरनेटिव में प्लस सी लिखा हुआ है, ओके। देन एक्स टू दी पावर 7 का इंटीग्रल हो गया एक्स टू दी पावर 8 बाई 8, एक्स टू दी पावर माइनस 3 डी एक्स, इसका क्या होगा, एक्स टू दी पावर माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 प्लस सी,
एक्स टू द पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू प्लस सी। एक्स टू द पावर थ्री बाई टू, इसका इंटीग्रल क्या होगा? एक्स टू द पावर थ्री बाई टू प्लस वन अपॉन थ्री बाई टू प्लस वन प्लस सी। टू बाई फाइव एक्स टू द पावर फाइव बाई टू प्लस सी। इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर माइनस फाइव बाई थ्री डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस फाइव बाई थ्री प्लस वन अपॉन माइनस फाइव बाई थ्री प्लस सी। एक्स टू द पावर थ्री एलसीएम लेंगे तो माइनस टू बाई थ्री अपॉन माइनस टू बाई थ्री प्लस सी। माइनस थ्री बाई टू एक्स टू द पावर माइनस टू बाई थ्री प्लस सी। क्लियर? तो एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एक्स टू द पावर माइनस टू डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, दैट इज माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी। अगर एक्स टू द पावर माइनस वन है तो क्या यह फॉर्मूला लगेगा? नो, दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन एन इज इक्वल टू माइनस वन। तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये वन अपॉन एक्स होगा और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा लॉग एक्स बेस ई। क्लियर? देन वन का इंटीग्रल एक्स प्लस सी, देन ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स प्लस सी। जैसे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे? इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। क्लियर? नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर वन। इंटीग्रल ऑफ एक्स टू द पावर माइनस फिफ्टी फाइव डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर माइनस फिफ्टी फाइव प्लस वन अपॉन माइनस फिफ्टी फाइव प्लस वन प्लस सी। माइनस वन अपॉन फिफ्टी फोर एक्स टू द पावर माइनस फिफ्टी फोर प्लस सी। क्लियर? एक्स टू द पावर माइनस फिफ्टी फाइव प्लस वन अपॉन माइनस फिफ्टी फाइव प्लस वन प्लस सी। क्वेश्चन नंबर टू, इंटीग्रल ऑफ सेवन डी एक्स, सेवन इंटीग्रल ऑफ डी एक्स सेवन एक्स प्लस सी। वन का इंटीग्रल क्या होगा? एक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ई टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर सिक्स बेस ई, इसको हम सीधा लिख सकते हैं एक्स टू द पावर सिक्स डी एक्स। और एक्स टू द पावर सिक्स का इंटीग्रल क्या होगा? एक्स टू द पावर सेवन बाई सेवन प्लस सी। क्वेश्चन नंबर फोर, एक्स टू द पावर हाफ माइनस एक्स टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स माइनस एक्स टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स। तो एक्स टू द पावर हाफ फॉर्मूला वही, एक्स टू द पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन माइनस एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर थ्री बाई टू अपॉन थ्री बाई टू माइनस एक्स टू द पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी। टू बाई थ्री एक्स टू द पावर थ्री बाई टू माइनस टू एक्स टू द पावर हाफ प्लस वन। राइट? क्वेश्चन नंबर फाइव, इंटीग्रल ऑफ सेवन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एट माइनस एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन प्लस
एक्स टू दी पावर माइनस टू डी एक्स, सभी को अलग अलग करेंगे, सेवन इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस थ्री इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एट इंटीग्रल ऑफ डी एक्स माइनस एक्स टू दी पावर माइनस हाफ डी एक्स। एक्स टू दी पावर माइनस वन है तो क्या होगा, प्लस, जब एक्स टू दी पावर माइनस वन होगा तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस एक्स टू दी पावर माइनस टू डी एक्स। क्या होगा इसका आंसर, सेवन एक्स क्यूब बाई थ्री। राइट बेटा, कैसा है एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स टू दी पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन माइनस थ्री, एक्स का इंटीग्रल एक्स टू दी पावर टू बाई टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एट वन का इंटीग्रल एक्स माइनस एक्स टू दी पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन। माइनस हाफ प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स बेसी प्लस एक्स टू दी पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, सेवन बाई थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस टू एक्स टू दी पावर वन बाई टू प्लस लॉग एक्स बेस ई माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी। राइट, कोई कंफ्यूजन, वन अपॉन एक्स या हम एक्स टू दी पावर माइनस वन भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इंटीग्रल ऑफ वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस थ्री एक्स डी एक्स, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, वन प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, वन प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, सबको अलग अलग करेंगे, वन प्लस टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स माइनस थ्री इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। वन का इंटीग्रल एक्स प्लस टू, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स टू दी पावर टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन मीन्स एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी, देन योर फाइनल आंसर विल बी एक्स प्लस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस सी। क्वेश्चन नंबर सेवन, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, डी एक्स सबको अलग अलग कर देंगे, एक्स टू दी पावर फोर बाई एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस वन बाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस वन बाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स। राइट, कोई कंफ्यूजन, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। राइट, देन सबको हमने अलग अलग कर दिया, एक्स क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा बताइए आप, एक्स टू दी पावर
फोर बाई फोर, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू, वन अप लॉग एक्स बेस ई का वन अपॉन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बेस ई प्लस सी। देन योर फाइनल आंसर एक्स टू दी पावर फोर बाई फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स बेस ई प्लस सी। क्वेश्चन नंबर एट, इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। रूट एक्स का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स। इसको फिर अलग अलग करेंगे, एक्स डी एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स। एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू, वन का इंटीग्रल एक्स वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स बेस ई प्लस सी। क्लियर, यहां पे हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया और सिंपली सबको अलग अलग कर दिया और इंटीग्रल हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर नाइन, इंटीग्रल ऑफ टू टू दी पावर एक्स प्लस थ्री टू दी पावर एक्स अपॉन फाइव टू दी पावर एक्स इंटीग्रल। टू बाई फाइव टू दी पावर एक्स प्लस थ्री बाई फाइव टू दी पावर एक्स डी एक्स, दोनों को अलग अलग करेंगे, टू बाई फाइव टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस थ्री बाई फाइव टू दी पावर एक्स डी एक्स। ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेसी प्लस थ्री बाई फाइव टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग थ्री बाई फाइव बेस ई प्लस सी। कैसे आया ये, हमने फॉर्मूला बताया आपको, ए टू दी पावर एक्स इंटीग्रल क्या होता है ए टू दी पावर एक्स का, ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई। क्लियर, फिर नेक्स्ट हेडिंग आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट हेडिंग आता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या है, देखिए मैं इसमें क्वेश्चंस लिखता हूं, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 10 मैंने लिखा है, इंटीग्रल ऑफ लॉग एक्स बेस ई अपॉन एक्स डी एक्स। फिर मैंने क्वेश्चन लिखा, नंबर हटाइए पहले, देखिए 10 के बाद में, फिर मैंने क्वेश्चन लिखा इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स टू दी पावर नाइन प्लस टेन टू दी पावर एक्स लॉग टेन बेस ई अपॉन एक्स टू दी पावर टेन प्लस टेन टू दी पावर एक्स डी एक्स।
राइट देखिए यहां पर सिक्स क्वेश्चंस लिखे हैं हमने. लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स वे सी अपॉन एक्स डी एक्स, टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, टेन एक्स टू दी पावर नाइन प्लस टेन टू दी पावर एक्स लॉग टेन बे सी अपॉन एक्स टू दी पावर टेन प्लस टेन टू दी पावर एक्स, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन एक्स, फोर एक्स क्यूब ई टू दी पावर एक्स फोर. अब देखिए ये सिक्स क्वेश्चन लिखे हैं मैंने. इन सभी क्वेश्चंस में एक फंक्शन ऐसा है जिसका डिफरेंशियल इसी क्वेश्चन में गिवन है. एक फंक्शन ऐसा है जिसका डिफरेंशियल इसी क्वेश्चन में गिवन है. हर एक क्वेश्चन में एक फंक्शन ऐसा है जिसका डिफरेंशियल इसी क्वेश्चन में दे रखा है. देखते हैं जरा वापस. यहां पर देखिए आप लॉग एक्स बेस ई का डिफरेंशियल क्या है, वन अपॉन एक्स. लॉग एक्स बेस ई का डिफरेंशियल क्या है, वन अपॉन एक्स. देन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव का डिफरेंशियल क्या है, टू एक्स प्लस थ्री. एक्स टू दी पावर टेन प्लस टेन टू दी पावर एक्स का डिफरेंशियल क्या है, टेन एक्स टू दी पावर नाइन प्लस टेन टू दी पावर एक्स लॉग टेन बेस ई. एक्स माइनस वन बाई एक्स का डिफरेंशियल क्या है, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या है, वन अपॉन एक्स. एक्स टू दी पावर फोर का डिफरेंशियल क्या है, फोर एक्स क्यूब. फोर एक्स क्यूब, यस क्लियर. तो हम उसी को टी लेट करेंगे जिसका डिफरेंशियल इसी क्वेश्चन में गिवन है. जैसे लॉग एक्स बेस ई, लेट किया लॉग एक्स बेस ई इज इक्वल टू टी. इसको लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. लॉग एक्स का डिफरेंशियल वन अपॉन एक्स, टी का डिफरेंशियल डी टी बाई डी एक्स. लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या है, वन बाई एक्स, और टी का डिफरेंशियल डी टी बाई डी एक्स. तो डी एक्स को क्या कहते हैं, डी एक्स और डी टी दोनों एक साइड रहेंगे, टॉप पर ऊपर रहेंगे डी एक्स और दोनों. समझ में आ गया आपको, डी एक्स और डी टी दोनों न्यूमरेटर में रहेंगे, एक्स एक्स एक तरफ टी टी दूसरी तरफ, दोनों एक साइड नहीं अलग अलग साइड रहेंगे. मतलब डीएक्स और डी टी दोनों न्यूमरेटर में रहेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी टी. डी एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया, डी टी. अब वापस मैंने इंटीग्रल लिखा. क्या लिखा, इंटीग्रल. ध्यान से समझना, इंटीग्रल लिखा मैंने लॉग एक्स बेस ई. लॉग एक्स को तो हम लिखेंगे टी. और अब यहां पे रह क्या गया, लॉग एक्स को तो आपने टी लिख दिया, क्या रह गया, डीएक्स अपॉन एक्स. क्या रहा ये, डीएक्स अपॉन एक्स. इस डीएक्स अपॉन एक्स को आप क्या लिखोगे, डी टी. क्या लिखोगे, डी टी, राइट. अब ये है इंटीग्रेशन, ये है डी टी. अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी हिंदी में आपने एक मुहावरा पढ़ा होगा अगर याद है तो, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एक साथ दो वेरिएबल नहीं आएंगे, या तो वेरिएबल टी होगा या फिर वेरिएबल एक्स होगा. तो यहां पे कंप्लीटली क्या हो गया, टी वेरिएबल हो गया. अब टी का इंटीग्रल क्या होगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी. टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी, राइट. वापस वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, टी किसको लेट किया है, लॉग एक्स बेस ई होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी. ये इसका हो गया फाइनल आंसर, राइट. नाउ वापस देखिएगा, वापस देखना इस क्वेश्चन को. लॉग एक्स बेस ई को हमने टी लेट किया,
एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया तो वन अपॉन एक्स आ गया, टी का डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स क्या है, डी टी। तो इंटीग्रल ऑफ टी डी टी क्या हो गया, टी स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। सिमिलरली यहां पर देखिए, लेट किया हमने, लेट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू टी। इसको भी क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x प्लस 3 और t का डिफरेंशियल dt टी बाई डी एक्स। देन वापस देखिए, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को t लिखेंगे, 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स को क्या लिखेंगे हम, dt। तो dt टी बाई टी क्या हो गया, लॉग टी प्लस सी। तो ये हो गया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव प्लस सी, दैट इज लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव प्लस सी। अब देखिए अगेन यहां पर, लेट एक्स टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर एक्स को भी टी लेट करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स टू दी पावर 10 का 10 एक्स टू दी पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर एक्स लॉग 10 बेसी टी का इंटीग्रल क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। 10x टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर एक्स लॉग 10 बेस ई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई टी ये क्या हो गया, लॉग टी प्लस सी। तो लॉग ऑफ क्या लिखेंगे, एक्स टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर एक्स प्लस सी, राइट। ये क्लियर हुआ क्या यहां तक, वापस देखना आप। एक्स टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर एक्स को टी लेट किया, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लिया, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया, 10x टू दी पावर 9 प्लस 10 टू दी पावर एक्स लॉग 10 बेस इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 बाई टी क्या हो गया, लॉग टी प्लस सी, राइट। यहां पर देखिएगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, यहां पर डी टी, ओके। नाउ अब देखें आप, एक्स माइनस वन बाई एक्स को हम टी लेट करेंगे, एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, 1। इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डिफरेंशियल 1। 1 बाई एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो टी का डिफरेंशियल डी टी बाई डी एक्स, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देन अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ई टू दी पावर टी। देन इसको हम क्या लिखेंगे, डी टी 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। और ई टू दी पावर टी का इंटीग्रल ई टू दी पावर टी प्लस सी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस सी। यस, कोई डाउट। देन फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन लॉग एक्स बेस ई को टी लेट करेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स, टी का डी टी बाई
dx, dx अपॉन x इज इक्वल टू dt। यहां पर टी क्यूब डीटी, टी क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा, टी टू दी पावर 4/4 प्लस सी, टी की जगह हम क्या लिखेंगे, लॉग एक्स टू दी पावर 4/4 प्लस सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स टू दी पावर 4 इज इक्वल टू टी, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 4x³ टी का डिफरेंशियल डी टी बाई डी एक्स, 4x³ डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, डी टी ई टू दी पावर टी डी टी। ई टू दी पावर टी का इंटीग्रल क्या होगा, ई टू दी पावर टी प्लस सी, यानी टी की जगह क्या लिखेंगे, एक्स टू दी पावर 4, राइट। किसको टी लेट करते हैं, जिसका डिफरेंशियल उसी क्वेश्चन में गिवन हो, जिसका डिफरेंशियल उसी क्वेश्चन में गिवन हो उसको हम टी लेट करते हैं।